राजनी आरतपुरा सेक्टर च अंतरराष्ट्रीय बन्ने कन्ने लगदे इलाके च कीती विजय नुकसावे दी गोलाबारी। एक बीएसएफ दे जवान दे दो नागरिक जख्मी। बीएसएफ दे जवान ने जोरदार तरीके कन्ने कीता पत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च केंद्र सरकार ने शहीदें दी भलाई बेहतरी लई लैते दे कई वड्डे फैसले। आख्या डॉक्टर सतिंदर सिंह होरें उन्हें शहीद कर्नल नारायण सिंह हुंदे चेते च सांबा च शहीद गेट दा कीता उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित साइंस संघ के चौथे सालाना सम्मेलन का किया उद्घाटन। आख्या मौजूदा समय च भारत कारोबार के निवेश लई है सारे सा पसंदीदा थार। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और जम्मू थमां अमृत कलश यात्रा की विदया किया। खबरें इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत ते पेश न खबरां विस्तार कन्ने। पाकिस्तान फौज आसिया जम्मू दे अरनिया सैक्टर च नागरिक ठिकाने उपर कल राती 8 बजे कीती गई बिना उकसावे आली गोलाबारी च बीएसएफ दे एक जवान सने दऊं नागरिक भी घायल होई गए। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय बन्ने उपर पाकिस्तान आसिया कीती गई इस गोलाबारी दा बीएसएफ आसिया बनकदा परता दिता जा रहा है। गोलाबारी करिए पाकिस्तान आसिया साई ग्रां दी चक भूला पंचायत दे कई नागरिक ठिकाने गी निशाना बनाया गया जेदे च कई घरें गी नुकसान पुज्जा है। एदे कन्ने गै पाकिस्तानी फौजियें बन्ने कन्ने लगदे निगरान फौजी चौकियें उपर भी गोलाबारी कीती जेदा अगेत्री रक्षा चौकियें थमां भारतीय फौजियें जोरदार परता दिता। अमले च अरनिया कस्बे च भी किश गोले पे जिंदे कारण द्रौन नागरिकें गी ममूली चोटां आईयां। अज बड़ले 1 बजे पाकिस्तानी फौजियें सरहदी निगरान चौकियें गी निशाना बनाइए परतियै गोलाबारी शुरू करी दिती जेड़े कोई 2.5 घंटे चली। इस दौरान कांस्टेबल वसमा राज शर्रे लगने करी घायल होई गई। उसी फौरन अरनिया अस्पताल लैता गया जिथों जम्मू दे मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करी दिता गया। एदे अलावा कोई होर जानी जां माली नुकसान दी कोई खबर नहीं है। ताई बन्ने उपर बीएसएफ आसिया कड़ी निगरानी रखी जा रही है ते हालात दा जायजा लैता जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल दी जम्मू महानगर दी टीम ने आज पाकिस्तान आसिया एक बारी परतिये संघर्ष विराम दी खिलाफ वर्जी करने दे खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल दे विदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी होरें आख्या जे पाकिस्तान अपनी भैड़ी हरकतें थमां बाज नहीं आवारदा। उन्हें आख्या जे पाकिस्तान आसिया आकरण कीते जाने वाली गोलाबारी कन्ने कई निर्दोष लोकें गी मता नुकसान झलना पिया है। उन्हें पाकिस्तान खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे सैकड़ों नागरिकों और 2 बीएसएफ के जवानों को घायल किया है, इसके ऊपर आज हम पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या अज पिछले 9 बरें दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च केंद्र सरकार ने शहीदें दे कल्याण लई कई वड्डे फैसले लैते न। उन्हें आख्या जी केंद्र सरकार हथियार बल बलें दे शहीदें लई भलाई बेहतरी दे प्रति पूरी चाली संवेदनशील है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर अज सांबा जिले च शहीद कर्नल नारायण सिंह हुंदे चेते च बनाए गए दे शहीद गेट दा उद्घाटन करने मगरा उत्थे मौजूद लोकें गी संबोधित करारदे हे। शहीद कर्नल नारायण सिंह होरें पाकिस्तान दे खिलाफ जंग दे लड़दे होए शहादत हासिल कीती। इस गेट की नारायण द्वार दा नां भी दिता गया है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या कि मौजूदा सरकार ने शहीद ते उनके परिवार लई कई वड्डे फैसले ले न जिहदा फायदा उन सबने संबंधी पक्षों की पुजारदा है। जहाँ की फ्री सदा में गीत वहाँ के गा नाम हम आगे करेंगे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। फौज ने कुपवाड़ा सेक्टर च आतंकवादियों खिलाफ टकोदी कामयाबी हासिल की है। जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल गरीश कैलिया होरें अज पत्रकारों को संबोधित करते हुए आख्या कि कब्जा रेखा के लागे कल आतंकवादियों खिलाफ चलाए गए अभियान दौरान 5 आतंकवादी मारे गए ते इस दौरान बड़ी मात्रा च हथियारों ते असला बरामद किया गया जिंदे च 5 AK राइफल ते और दुआ समान शामिल है।
उन्हें आख्या जे पाकिस्तान आसिया जम्मू कश्मीर च रमानदारी च खलल पाने लई बराबर जतन किए जा रहे हैं। उन्हें दस्या जे पिछले 8 महीने दौरान इस डिवीजन के तहत आने वाले इलाके च घुसपैठ दी 10 कोशिशें की नाकाम करते हुए फौज ने 27 आतंकवादियों की मारी मकाया है। इसके अलावा भारी तादाद च हथियारों के असलों के कन्ने बन्ने पारा तस्करी राय भेजे गए नशीले पदार्थों की भी भारी मात्रा च बरामद किया गया है। उन्हें आख्या जे पाकिस्तान के भैड़े इरादे की नाकाम करने लई सुरक्षा बल रलिए काम करा रहे हैं। We've also recovered huge quantity of narcotics, which establishes a deep nexus between the defense establishments in Pakistan and the terrorist groups. डोडा के किश्तवाड़ जिले च सुरक्षा ते अपराध करने बने दे हालात दा जायजा लैने लई डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता होरें इन इलाकें दा दौरा लाया। इस मौके पर उन्हें किश्तवाड़ ते डाचन थार पंजतारा ग्रां च लोकें कन्ने मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्हें मुकामी लोकें दी समस्याएं परेशानियों की सुनिया ते उन्हें की भरोसा दवाया जे उन्हें जायज समस्याएं की दूर करने लई सभी जरूरी उपाय किए जांगन। अपने इस दौरे दौरान डीआईजी होरें एसएसपी किश्तवाड़ हुंदी मौजूदगी च जिले च होर दुए पुलिस अधिकारियों कन्ने बैठक लाई उत्थे बने दे सुरक्षा हालात की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे भारत की 6G टैक्नोलॉजी के मामले से सारे शा अग्गे करने लई सरकार आसिया कई गैं पुट्टियां गईयां ने। अज नवीं दिल्ली च भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे सरकार ने 5G संपर्क सुविधा सारे तोड़ी पजाने लई जतन तेज करी दिते ने ते देश च ए तकनीक शुरू करवाने लई 5G आधारित 4 लाख स्टेशन कायम किए ने। उन्हें अग्गे आख्या जे इंदे कन्ने 97% शहरें की 80% आबादी की 5G सुविधा के दायरे हेठ आंदा जाई सकोग। इस मौके पर बोलते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें आख्या जे पिछले 10 बरें च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें दूर संचार खेत्र की भलिया खरे लई बदली दिता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। गृहमंत्री अमित शाह होरें आख्या जे देश च नवा अपराधिक न्याय सरिस्ता तौले गै अमल च आई जाग। उन्हें आख्या जे संसदीय समिति एदे पर गौर करा दी है ते उम्मीद की जा रही है जे इसी तौले गै पारित करी दिता जाग। उन्हें आख्या जे नवे सरिस्ते च सुधार करदे होई इसी इस चाली बनाया जा रहा है जेदे कन्ने लोकें दे अधिकारें दी राखी होई सके। अज हैदराबाद दी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकैडमी च IPS प्रोबोशनरें दे 75वें बैच नूं संबोधित करदे होए शाह होरें इन्हें नवे अधिकारियों की आख्या जे वह अपनी ड्यूटी की निर्वाह करते हुए वह मनुखी नजरिया अपनाउण ते पूरी संवेदनशीलता कन्ने आम लोगों की सेवा करन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज भारतीय अर्थशास्त्र ते इहदे कन्ने जुड़े दे होर साइंसी संघ आसिया कश्मीर विश्वविद्यालय च चौथे सालाना सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन च उपराज्यपाल होरें आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली बखी इंदे आसिया किए जा रहे जतने की सराहना की। इहदे अलावा उन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख ते भारत की जनजातीय आबादी के विकास वाली बखी ध्यान ते 2047 तोड़ी विकसित भारत के लक्ष्य की हासिल करने वाली बखी तफसीली नीतिगत गैं पुटने बारे अगले 3 दिनों दौरान इस सम्मेलन च सलाह सूत्र किया जाग। भारत के एक मजबूत आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने के बारे च उपराज्यपाल होरें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे अगुवाई च सरकार आसिया चलाए जा रहे कार्यक्रम से अपनाई जा रही नीतियों कारण बड़े पैमाने पर विकास के कन्नों कन्नी भारत की आर्थिक तरक्की की अगड़ा बधाने च मती मदद होग। इस मौके पर उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर च किए जा रहे समाजिक आर्थिक सुधारे बारे भी गलबात की। आर आर स्वैन जेड़े इसलिए जम्मू कश्मीर से स्पैशल DG के अहदे पर सेवा दया करते हैं उन्होंने अगले हुक्म तोड़ी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर वाधू कार्यभार सौंपया गया है। उन्हें की जिम्मेदारी 1 नवंबर थमां हासिल होग। ये सरकारी हुक्म मुजब वह DGP दिलबाग सिंह उनकी थार कामकाज सामगन जेड़े 31 अक्तूबर की रिटायर होआ करते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू थमां अमृत कलश यात्रा की विदया किया। इस मौके पर उन्हें एक बूटा भी लाया ते पर्यावरण के अनुकूल काम कार्रवाई करने पर जोर भरया। इस मौके पर पुलिस ते सिविल महकमे के कई सीनियर अधिकारी ते बड़ी बद गिनतरी च नौजवान जम्मू कश्मीर के बख बख ब्लॉक थमां आए दे यूथ आइकन ते होर दुए लोग मौजूद है। इस मौके पर सारे लोगों पंच प्रण के प्रति सगंध भी चुकी। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यकर्ता हिस्सा बने मंच पर। श्री
संजीव वर्मा जी। पूरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी, पूरे हर घर से मिट्टी इकट्ठे करके उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और अब वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हर घर की मिट्टी की सुगंध आएगी, तो वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनेगा। और मेरे ख्याल से देश में जो एक जुटता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव होरें आज जिले के मन्नी सचिवालय जिला दफ्तर परिसर थमां अमृत कलश यात्रा की विदा किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत यह अमृत कलश जम्मू थमां नवी दिल्ली लई भेजी जांगन। इस मौके पर देशभक्ति ते एकता उपर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। केंद्र के सरकारी कर्मचारी पेंशनर के कल्याण संबंधी संस्था द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र के सहयोग ने नहीं सुनी सकने वाले विशेष दिव्यांगे दे हेयरिंग हैंडीकैप स्कूलें च स्वच्छता बारे जागरूकता संबंधी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बरे 2 अक्टूबर थमां लेके 31 अक्टूबर थोड़ी चलाए जा रहे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान 2023 तहत यह कार्यक्रम कराया गया। आस्ट्रेलिया थमां आई दी 2 समाज सेविका मारजोरी राइट से तमेश राइट और कार्यक्रम च बतौर चेचे परौने शामिल होईआं। रजौरी राम च राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ने अज फौज के लाम स्टेडियम च शहीदगढ़ दिवस मनाया। यह दिन किला दरहाल दिवस भी आख्या जाता है। इस मौके पर उन्हें बहादुर नागरिकें की श्रद्धांजलि दी जिन्हें अमलावरें थमां अपनी मातृभूमि की रक्षा लिए हथियार चुकी लैन। इस कार्यक्रम का सरिस्ता मेरी माटी मेरा देश के आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया। इस मौके पर 54 आरआर कमांडर होरें शहीदगढ़ युद्ध स्मारक उपर फुल चढ़ाइए उन्हें बहादुरें की श्रद्धांजलि दी जिन्हें देश लिए अपना सारा किश न्यौछावर करी दिता। सेना की पहली बटालियन और इंडियन आर्मी का ये एक प्रयास है इस शहीदगढ़ को उनकी जो ऊंचे दर्जा दिलाने के लिए और ये जो वीरों का जो सैक्रिफाइसेस है उनको एक रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क पर एक इतिहासिक पहलकदमी करते हुए जवाहर टनल की संवारी एक प्रमुख सैलानी थारे तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। साढ़े संवाददाता की रिपोर्ट मुजब 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग के सुधार वास्ते कई करोड़ रुपए के टेंडर की प्रमुख बीकन परियोजना के हिस्से के तौर पर जारी किया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम पर बनी इस जवाहर टनल का बड़ा मता इतिहासिक महत्व है। इस सुरंग 1954 थमां 1956 तोड़ी 2 बरें च बनिए तैयार हुई ही जिहड़ी 22 दिसंबर 1956 थमां लगातार चला रही है। इस सुरंग दे परतियां निर्माण जां सुधार दा काम बनिहाल काजीकुंड नवयुग टनल दे हाल च होए दे उद्घाटन दे चलदे कीता जा रहा है तां जे ईंधन वाले टैंकरे ते गैस सिलेंडर गी लईए जाने वाले ट्रक आसानी कन्ने पार हो सकन। रामबन जिले के डलास इलाके च जम्मू ते श्रीनगर बशकार गड्डियों की आवाजाई की सुचारू बनाने लिए इत्थे NHAI आसिया एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने दसिया जी कोई 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण 371 करोड़ रुपए के कन्ने इस इलाके के बाईपास वाली बखी किया जाग। उन्हें आख्या जे जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़क के कन्ने लगती जमीन के धसने के कारण गै पुट्टी गई है ता जे लोगों की सुरक्षित ते बेहतर आवाजाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। उधमपुर च टकुन आल इमारत बनाने लिए अज नींह पत्थर रखिया। उधमपुर नगर परिषद के उप प्रधान सुरेंद्र सिंह खालसा होने 16.53 करोड़ रुपए की लागत कन्ने बनाए जाने वाली इस इमारत का काम शुरू करवाया। उन्हें आख्या जे कन्ने शहर के लोगों की पार्किंग की सुविधा भी हासिल होग जेदे कन्ने गड्डियों की आवाजाई बेहतर होग जाम लगने की परेशानी की घट किया जा सकोग जिसकी वजह से तकरीबन सारे बाजार में जाम भी लगा रहता है दुकानदार भी परेशान रहते हैं। उसको देखते हुए ये जो म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर थी उसने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम लोग एक पार्किंग की बेस क्योंकि जगह कहीं और उपलब्ध नहीं थी इसलिए ये म्युनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि
बनिहाल इलाके दी करावा पंचायत दी दस्तगीर साहिब दी दरगाह शरीफ उपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हेंगी पीर दस्तगीर साहिब भी आख्या जांदा है दा सालाना उर्स बड़ी धार्मिक श्रद्धा कन्ने मनाया गया। 11वीं शताब्दी दे सूफी संत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुंदे इस उर्स च बड़ी मती मद गिनतरी च अकीदतमंद ते हिस्सा लिया। इस दौरान श्रद्धालुए 11 दिने तोड़ी इत्थे मत्था टेकिया ते अज मुख उर्स मनाया। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ। दिओ इजाजत, नमस्कार।